प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे महाराष्ट्र के किसान 2021 से ही फसलों का उचित दाम ना मिलने की समस्या से भी परेशान हैं। लेकिन बाद में कुछ ही महीनों में तस्वीर बदलने लगी है और अच्छे भाव मिलने लगे। तुअर के मामले में भी वही हो रहा है। इस साल उत्पादन में गिरावट के बावजूद शुरुआती भाव 5,800 रुपये प्रति क्विंटल था। महज डेढ़ महीने में तुअर की कीमत में 7,000 रुपये हो गई और इस साल नेफेड के जरिए गारंटी सेंटर शुरू किए गए हैं। इस खरीदी केंद्र पर तुअर की कीमत 6,300 रुपये तय की गई है, लेकिन खरीदी केंद्र की ओर किसानों का रुझान कम है, क्योंकि केंद्र की स्थापना के बाद बाजार भाव भी बढ़ गए थे। किसानों का कहना है कि अब बाजार में खरीदी केंद्र से ज़्यादा दाम मिल रहा है, इसलिए सरकारी खरीद केंद्र पर कौन ही जाएगा। नेफेड की ओर से राज्य में तुरंत गारंटी केंद्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन नियम कायदों और एक महीने बाद खाते में पैसे आने के कारण किसान खुले बाजार में तुअर बेचना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब खुले बाजार में कीमत सरकार की गारंटीड स्कीम से ज़्यादा है। लातूर की कृषि उपज मंडी समिति में भी तुअर की आवक बढ़ गई है। कपास के बाद अब तुअर की कीमतों में बढ़ोतरी से किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुछ किसानों को तुअर के दामों में भी और बढ़ोतरी की उम्मीद है। दाल के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए जानकारों के अनुसार किसानों ने यह अनुमान भी सही लगाया है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।